सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फिर आज के इस वीडियो में अपन बनाने वाले हैं एक छोटा एम्पलीफायर। तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना तभी आपको समझ में आने वाला है, बीच में अगर स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो एम्पलीफायर है उसका जो मेन पार्ट है वो है ट्रांजिस्टर, जिसका नंबर है D882। ये 15 रुपये का आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये हमारा बेस होने वाला है पूरे एम्पलीफायर का। इसके बाद जो हमारा इसमें लगने वाला एक रजिस्टर है वो है 1 किलो ओम का लगेगा हमारे इसके अंदर, वो 1 रुपये का आपको मिल जाएगा आराम से। इसके बाद आपको एक कैपेसिटर लगाना है इसके अंदर जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट और 470 UF। ये 5 रुपये का आपको मिल जाएगा मार्केट में। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेना है एक हीट सिंक। तो ये हीट सिंक जो है आपको मार्केट में 10 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। इसको लगाने का कारण ये है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा और ये गर्म ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारा ख़राब हो सकता है, इसलिए हम इसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद एक स्पीकर लिया है मैंने, ये हमारा पुराना स्पीकर था उसके अंदर से मैंने निकाला है म्यूजिक सिस्टम में से, ठीक है। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो या फिर आप मार्केट से खरीद सकते हो, आपको हिसाब से लेना पड़ेगा, इसकी रेट मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद आपको एक ऑक्स केबल लेनी है, तो ये आपको पुराने जो मोबाइल चार्जर होता है उसके अंदर से भी निकाल सकते हो आप। तो आपको जैसे दिख रहा है ये जो ब्लैक वाला वायर है ये ग्राउंड है, और जो ये लेफ्ट और राइट वाला जो होता है इसको दोनों को मैंने कॉमन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देने वाला हूँ मैं। तो इसके लिए यहाँ पर मोबाइल चार्जर की जो USB जो केबल होती है उसका यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 5 वोल्ट की बैटरी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसको सार को बनाना है, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ किस टाइप से बनेगा ये। तो ट्रांजिस्टर लेंगे हम सबसे पहले और इसको जो हीट सिंक है इसके ऊपर कस देंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड इसको यहाँ पर आप एक नट और बोल्ट के द्वारा यहाँ पर आपस में आराम से कस सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से कसना होगा, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना ताकि ये टूट जाए, इतना टाइट भी नहीं करना है, हल्का सा आपको टाइट कस के रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको हम यहाँ पर कस देंगे। एक और बात को आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो हीट सिंक है इसकी तीनों लेग जो है इसके टच नहीं होनी चाहिए, अगर ये टच होगी तो हमारा वर्क नहीं करेगा, तो इनको थोड़ी ऊपर करके साइड में रखना है। उसके बाद जो हमारा जो रजिस्टर है इसका अपन यहाँ पर कनेक्शन करने वाले हैं, तो इसकी जो दोनों लेग्स है उसको इस टाइप से मोड़ दीजिए जिस टाइप से मैंने मोड़ी है यहाँ पर वीडियो में, और इसके आपको जिसे दिख रहा है तीसरी और दूसरी वाली लेग में इसको कनेक्शन करना है, ठीक है। तो इस टाइप से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, उस टाइप से कनेक्शन करना है आपको। तो यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन के द्वारा इसको यहाँ पे कनेक्शन कर रहा हूँ इसका। तो ये तीसरी लेग में मैंने कनेक्शन कर दिया यहाँ पर, और ये बीच वाली जो आपको दिख रही है लेग इसकी, ये दूसरी वाली लेग है, इसमें मैं यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है इस टाइप से। अब हमें क्या करना है, ये कैपेसिटर लेना है आपको, और इसका जो वैल्यू मैंने आपको दिखा दिया है सबसे पहले 10 वोल्ट का लेना है आपको, ठीक है। इसका जो आपको व्हाइट कलर की पट्टी दिख रही है ये वाली होती है माइनस वाली पट्टी, ठीक है। इस वाला पोल जो है हमारा माइनस वाला है, और जिस तरह आपको दिख रहा कुछ भी नहीं दिख रहा है वो प्लस वाला होता है। तो ये माइनस वाला पोल और ये प्लस वाला पोल है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो जो हमारा प्लस वाला पोल दिख रहा है आपको वो इसमें हम तीसरी वाली जो लेग है हमारे ट्रांजिस्टर की उसमें हमें कनेक्शन करना है, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, इस टाइप से आपको कनेक्शन करना है, ठीक है। और फ्रेंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना है, जो हमारे ऑक्स केबल जो आपको दिख रही है यहाँ पर, इसका जो एक आपको दिख रहा है ग्राउंड वाला सिरा और ये लेफ्ट और राइट वाला जो सिरा दिख रहा है आपको, ठीक है, मैंने दोनों को कॉमन कर दिया यहाँ पर। तो ये ग्राउंड वाला सिरा दिख रहा है आपको, इसको लेना है। और जो हमारे ट्रांजिस्टर का जो तीसरी लेग में हमने कैपेसिटर लगाया उसकी जो माइनस वाली पोल है उसमें हमें यहाँ पर कनेक्शन करना है इसका, ठीक है। जैसे देख लीजिए वीडियो में मैं कनेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पर इसका। अब हमें क्या करना है, जो हमारा लेफ्ट और राइट वाला जो वायर दिख रहा है आपको ऑक्स केबल का, उसको जो ट्रांजिस्टर की पहली वाली जो लेग दिख रही है आपको फर्स्ट वाली उसमें कनेक्शन करना है इसका। तो यहाँ पर अपन कनेक्शन कर देते हैं इसका सोल्डरिंग आयरन से इस टाइप से। तो फ्रेंड हमारा कनेक्शन हो चुका है यहाँ पर इसका ऑक्स केबल का। उसके बाद हमें क्या करेंगे, स्पीकर जो हमारा स्पीकर में 2 वायर कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पर। तो आप जैसे देख लीजिए, तो मैं स्पीकर के दोनों तरफ जो 2 पोल होते हैं इसमें स्पीकर में वायर कनेक्ट कर देता हूं यहां पर। तो फ्रेंड जैसे अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो मेरे चैनल पर जाइए, आपको सोल्डरिंग आयरन की वीडियो मिल जाएगी, मैंने 1-2 वीडियो बना रखी सोल्डरिंग आयरन पे, आप जाकर देखिए और आपको मिल जाएगी वीडियो। तो फ्रेंड जैसे देख लीजिए आप, स्पीकर में मैंने 2 वायर कनेक्ट कर दिए हैं यहाँ पर इस टाइप से। और जो आपको एक वायर लेना, कोई सा भी वायर लीजिए आप स्पीकर का, और उसको जो हमारी ट्रांजिस्टर की बीच वाली जो लेग दिख रही है आपको दूसरी वाली जो बीच में कनेक्शन, उसका कनेक्शन करना है हमें यहाँ पर, ठीक है।
ट्रांजिस्टर की दूसरी वाली लेग में, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे पावर सप्लाई देनी है, तो यहाँ पे मैं यूएसबी केबल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप 9 वोल्ट की बैटरी का भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो आप जैसे देख रहे हैं इसमें प्लस और माइनस वाला दो वायर दिख रहे हैं आपको, रेड और ब्लैक वाले। तो जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको वो माइनस वाला है, और जो रेड वाला है वो प्लस वाला है। तो जो हमारा ब्लैक वाला वायर है उसको हम ट्रांजिस्टर में लगाएंगे, और जो रेड वाला है उसे स्पीकर में लगाएंगे। तो मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो जो ब्लैक वाला वायर दिख रहा है आपको माइनस वाला सिरा, उसको ट्रांजिस्टर की पहली वाली लेग में कनेक्शन करना है यहाँ पर, जहाँ पर हमने ऑक्स केबल का प्लस और माइनस वाला वायर कनेक्ट किया था उस जगह पर, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है फ्रेंड। यहाँ पर आप जैसे देख लिए ऑक्स केबल हमारे लग चुकी है यहाँ पर इस टाइप से। तो और ये हमारे यूएसबी केबल भी लग चुकी है, यहाँ पर हम सप्लाई देंगे, हमारा चार्जर कनेक्ट कर देंगे, और जैसे स्पीकर हो चुका है हमारा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये मैंने दो वायर को यहाँ पर इन्हों में जॉइंट नहीं किया है। इसका कारण ये है कि फ्रेंड बहुत सारे लोग बोलेंगे ये वीडियो फेक है, तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर इन्हों को दोनों को वायर को कनेक्ट करके कि हमारा स्पीकर चालू है, और इन्हों को दोनों को हटाऊंगा तो स्पीकर बंद हो जाएगा। तो ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो इनका मैं कनेक्शन कर देता हूँ यहाँ पर, मोबाइल वोबाइल सारा सेटअप कर देता हूँ। तो जैसे देख लीजिए मैंने मोबाइल यहाँ पर लगा दिया इसमें, इस पावर सप्लाई में, और ये हमारा जो 5 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर आ रहा है इसमें ट्रांजिस्टर में, और ये इसको स्पीकर में भेजेगा, ठीक है। और ये ऑक्स केबल मैंने मोबाइल में लगा दी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं चालू करता हूँ, और जो हमारा स्पीकर है उसको मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ कि ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आप देख लीजिए, एक जो हमारा चार्जर से रेड कलर का वायर जो निकल रहा है, और एक स्पीकर का वायर, दोनों को मैं टच करूँगा तो ये वर्क करना चालू हो जाएगा। तो ये मैंने चालू कर दिया है यहाँ पर, और इसकी आवाज़ सुनिए आप फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से आवाज़ आ रही है इसकी। तो मैं अब यहाँ पर माइक बंद कर रहा हूँ मेरा, तो फ्रेंड्स जैसे देख लीजिए आप, ये वर्क कर रहा है। इसके बाद मैं आपको स्पीकर के ऊपर कुछ दाने डाल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्पीकर हमारा बज रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जैसे देख लीजिए, ये स्पीकर के ऊपर मैंने कुछ दाने डाल दिए, और ये हल्के हल्के उछल रहे हैं। इसका कारण ये हल्के उछलने का, क्योंकि ये स्पीकर जो है ये ज़्यादा वाट का है, और हमारे जो इसमें लगने वाला स्पीकर होगा वो छोटा स्पीकर होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा स्पीकर लगाया ज़्यादा वाट का, क्योंकि ये बूपर का स्पीकर है, तो ये हमारा कम लोड ले रहा है, ठीक है। तो आपको छोटा स्पीकर लगाना है, और जैसे देख लीजिए, ध्यान से देखिए, जो हमारा वर्क कर रहा है स्पीकर बहुत ही अच्छे से। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट में पड़ जाएगा आपको, लगभग ये 30 रुपये में बन के हमारा तैयार हो चुका है हमारा एम्पलीफायर। तो फ्रेंड इतनी कम रेट में हमारा एम्पलीफायर नहीं बन सकता है, लेकिन मैंने बना के दिखा दिया है यहाँ पर। आप इसे स्कूल प्रोजेक्ट के रूप में भी दिखा सकते हो, स्कूल में ले जा सकते हो आप, और अपना स्कूल में आप इसका प्रोजेक्ट बनाकर दिखाइए, आपको अच्छे मार्क मिल सकते हैं। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ आप इसे बना के ले जाइए आपको पास हो जाओगे आप, लेकिन ऐसा नहीं, वो तो टीचर के ऊपर निर्भर करता है, आपको क्या पसंद आता है उन लोगों को और क्या नहीं आता है। तो आप इस टाइप से प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है, और ये हमारा अच्छे से वर्क भी करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे आपने देखा है, ये हमारा बहुत ही कम रेट में तैयार हो चुका बनकर, और आपने इसकी आवाज़ भी सुनी है यहाँ पर, और ये अच्छे से बज भी रहा है स्पीकर हमारा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।